नमस्कार, सिन्हा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो क्लास 9 और 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को चुना है कि जो आगामी बोर्ड परीक्षा है उसके लिए जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरा वीडियो ये देखें उनका एक सॉलिड रिविजन जरूर हो जाए। लेकिन क्योंकि मैंने कहा है कि मैं जड़ से ही शुरू करूंगा, तो क्लास 9 के लिए मेरे बहुत बेनिफिशियरी होने वाला है ये वीडियो। देखिए, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर मैं क्लास 10 की बात करूं तो मुझे ज्यादा याद आ रहा है, तो ये एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में है, ये समझे आप। और इसका वेटेज जो है वो हमेशा 3 to 5 मार्क्स का होता है, इससे अधिक हो सकता है, कम नहीं हो सकता। ठीक है, मैथमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में एक है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चूंकि मेरा फोकस ही आज क्लास 9 और 10 पर है, इसलिए मैं फोकस टू वेरिएबल्स पर ही रखूंगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर ही रखूंगा। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा कल वाला वीडियो एक बार जरूर देख लें, उससे क्या होगा कि लीनियर इक्वेशन एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, उसका बेस आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको इतना सा कह दूं तो काफी होगा, सफिशिएंट होगा, कि जब किसी लीनियर इक्वेशन में, जब किसी टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन का, टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन का पेयर होता है, जोड़ा होता है, तभी हम कहते हैं कि इट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, तो भाई लीनियर पॉलिनोमियल की तरह होता है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। और उसमें अगर जैसे सपोज कर लें कि 3x + 5 = 17, एक सपोज कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, तो जब हम लोग 3x + 5 = 17 बोलेंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे ही इसमें एक और वेरिएबल ऐड कर देंगे, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, अननोन क्वांटिटी जो हमें इक्वेशन में फाइंड आउट करनी होती है। तो जैसे हम लोग इसमें एक और वेरिएबल ऐड कर देंगे तो हम ये कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन ये पेयर नहीं है। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, युग्म। जैसे नहीं बोलते ये जोड़ा, दिस कपल और दिस पेयर ऑफ मैन, ऐसा। तो हिंदी में अगर मैं कहूं तो इस चैप्टर को हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, है ना। तो इसमें जब आप एक और ऐसा ही लीनियर इक्वेशन लगा देंगे टू वेरिएबल का, तो फिर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म को समझिए। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है, कि वो किस रूप में हमें दिखता है या मिलता है ज्यादातर, मतलब उसका बेसिक जो फॉर्म है उसी को हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इसको समझिए, ax + by = c, या ऐसे लिखिए, ये ज्यादा बेहतर है, ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन का, किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, अब जरा इस चीज को समझिए कि क्योंकि इसमें पेयर की बात हो रही है, जोड़े की बात हो रही है, इसलिए हम लोग अब एक और ऐसा लिखेंगे ax + by + c = 0। तो हम ऐसा लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा बन गया भाई, तो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, इस जनरल फॉर्म में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि ये ध्यान रखें आप कि ये जनरल फॉर्म है किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, एक। दूसरी बात, यहां है ए एंड बी कांट बी अ जीरो नंबर, ये ध्यान रखें। अगर और आसान शब्दों में कहूं तो ए एंड बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी ए और बी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि ये जैसे ही जीरो होगा ये जीरो होगा, तो आप कल्पना करिए कि अगर ये जीरो है ये जीरो है, तो फिर ये पूरे जीरो हो जाएगा। कल बताया था मैंने लीनियर इक्वेशन में कि ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होते हैं, जब ऐसे लिखा होता है ना 3x 4x 5x, तो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होते हैं। क्लियर, तो पहली बात ये जनरल फॉर्म है टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन का। दूसरी बात कि ए और बी जीरो के इक्वल नहीं हो सकते, सी इजीली हो सकता है जीरो के इक्वल, कोई संदेह नहीं है कि सी जीरो के इक्वल हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर, अगेन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल,
फिर वही बात है, जो अननोन क्वांटिटी है, जो अननोन वेरिएबल है, उसी को फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और हम कहेंगे कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि सॉल्व करने का तरीका, मैथड्स। देखिए दो मैथड्स बड़े पॉपुलर हैं इनको सॉल्व करने के, एक तो एल्जेब्रिक तरीका है और एक ग्राफिकल तरीका है। एल्जेब्रिक तरीका वो है जिसमें कि हम लोग नोटबुक पर रफ कर कर कैलकुलेशन कर कर या मैथमेटिक्स ऑपरेशंस कर कर सॉल्व करते हैं, और जो ग्राफिकल तरीका वो है जिसमें आधा काम हम रफ कर कर करते हैं और आधा काम हम लोग कॉटेशन पेपर पर या फिर ग्राफ शीट पर करते हैं। ठीक है यहाँ डायरेक्टली हमें कैलकुलेशन के थ्रू या मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बाद पता चल जाता है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ग्राफिकल में ग्राफ करने के बाद वो फिगर जो बनता है ग्राफ का, वो हमें रिजल्ट बताता है कि भाई इस लीनियर इक्वेशन का ये आंसर है। ठीक है, या ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब पेयर में होता है तो उसके तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के तीन तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यानी जब भी कोई पी ऑफ एल इन टू वेरिएबल्स दिया हो तो फिर क्या होता है कि तीन तरह के सॉल्यूशंस आने के चांसेस रहते हैं। कैसे कैसे चांसेस रहते हैं अगर पूछा जाए तो, कि किस तरह के चांसेस रहते हैं, सबसे पहले आप समझिए, हो सकता है कि उस पेयर का यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी कोई एक नंबर हो जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता हो। दूसरा है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो, हो सकता है कई सॉल्यूशंस हो उस पेयर के। तीसरा क्या हो सकता है कि उस पेयर के लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हो ही ना। ठीक है, अच्छा अब देखिए किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसा होगा, इस चीज के लिए एक बहुत मजेदार तरीका, एक ट्रिक है। वो ये है कि आप उसके जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होता है ना, उसी से पता कर सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसा हो सकता है। एक बार आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार बोर्ड में या किसी भी पेपर में, एग्जामिनेशन में, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस या फिर ऐसी परिस्थितियां दी होती हैं जिसमें कि आंसर जो होता है उसका वो जो पेयर होता है उसका नो सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और स्टूडेंट एक बहुत बड़ा पेयर ऑलमोस्ट खर्च कर चुका होता है और फिर भी कंफ्यूज होता है कि पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो अक्सर मैं अपने सभी स्टूडेंट को एक सुझाव देता हूँ कि जब भी वो कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पेपर में करे, अगर उसके पास एक मिनट का अतिरिक्त समय है, तो वो कहीं एक बार वेरीफाई जरूर कर ले कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का किस तरह का सॉल्यूशन है, यूनिक, इन्फिनिटली या फिर मेनी, सॉरी या फिर सॉल्यूशन है ही नहीं। देखिए क्या तरीका है मैं बताता हूं, ओरिजिनल फॉर्म को लिखिए पहले, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। क्लियर, इफ समझ लीजिए अब इस चीज को, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 नहीं है, यानी a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then pair of linear equation said to be consistent and unique solution is possible, और ऐसे भी कह सकते हैं आप, it has यूनिक सॉल्यूशन। अब यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन ये कहा जा सकता है जब भी किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 हो जाए, तो सीधा कह सकते हैं कि उस रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, कंसिस्टेंट है, और उसका यूनिक सॉल्यूशन यानी केवल और केवल एक हल संभव है। कंडीशन वन, कंडीशन टू, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे that pair of linear equation said to be
डिपेंडेंट आश्रित एंड इट हैज इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्लियर। तीसरी स्थिति, जब a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के और वो बराबर ना हो c1 अपॉन c2 के, एकदम साफ कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट और असंगत एंड इट हैज नो सॉल्यूशन, इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर। यानी बड़ी आसानी से इनके कोफिशिएंट को, के रेशियो को वेरीफाई करके ये पता किया जा सकता है कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार का है, यूनिक, इनफिनिटली मीनिंग या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के जो टेक्निक्स हैं, जो बड़े पॉपुलर टेक्निक्स हैं क्लास 10 में, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये है, बात ये है कि यहां भी तीन मेथड्स हैं मेरे ख्याल से, हाँ थ्री मेथड्स जो बहुत टेक्निक्स कह रहे हैं फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो बड़े पॉपुलर हैं, पहला है, सबसे पहला और मुझसे पूछिए तो मेरा फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है ये तरीका बनाना, इस तरीके से बनाना, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, विलोपन विधि। इसमें क्या करते हैं कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इक्वेट करके हम लोग ये बना लेते हैं। दूसरा तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये तरीका भी बहुत बेहतर है। इसमें हम लोग, जब मैं फर्दर आगे वीडियोस इसके डालूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं इन तीनों तरीकों पर एक डिटेल वीडियो डाल सकूं, जिसमें कि मैं कम से कम एक सवाल जरूर आपको इस तरीके से सॉल्व करके बता सकूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट किया जाता है, फिर आसानी से वो निकल जाता है, सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, मैंने कहा आपको कि इट इज नॉट अ स्मॉलर चैप्टर, ये कोई छोटा चैप्टर नहीं है, इट्स अ वेरी वास्ट चैप्टर, बहुत ब्रॉड है इसकी जो इसका जो हर पैर है वो बहुत बड़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो बहुत समय लगेगा इसमें, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं हर मेथड पर एक वीडियो जरूर बना सकूं। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो वज्र गुणन विधि। ये विलन है, लेकिन मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मेरे ख्याल से इट इज द टफेस्ट मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बट इट कैन नॉट बी अवॉइड, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्लियर। एक तरीका तो मैं आज ही चाहूंगा कि आपके सामने कर दूं, एलिमिनेशन मेथड, जिससे क्या हो कि आपको न्यूटन की यूनिट्स की याद रहेगी। अच्छा, ग्राफ पर भी आऊंगा, एग्जैक्टली ग्राफ जैसा तो नहीं बन पाएगा बोर्ड पर, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा एक बार कि मैं ग्राफिकली भी एक बार आपको सॉल्व करके दिखा सकूं। आज मैं वर्ड प्रॉब्लम पे नहीं जाता, आज मैं डायरेक्टली बनाता हूं, एक सीधा एग्जांपल लेता हूं, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। जैसे मान लेते हैं कि ऐसा किसी इक्वेशन में है लिखा हुआ, ये पेयर है कि जब एक्स और वाई को जोड़ा जाता है तो वो 37 हो जाता है, और x और में से जब y को घटाया जाता है तो वो 1 हो जाता है। एक हिंट है हमारे पास कि x is greater than y। ठीक है, चलिए अगर ये हिंट नहीं दिया तो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि यहां से सीधा अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो सीधा पता चल रहा है कि x y से बड़ा है, क्योंकि x में से जब y को घटाया जाता है तो 1 हो जाता है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, मैंने बोला एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। ठीक है, assuming that it is equation 1 and it is equation 2, माना ये equation 1 है और ये equation 2 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, equating the coefficient method के अनुसार, equating the coefficient method में हम लोग coefficients को equate करते हैं, जैसे यहाँ x है यहाँ y है,
लेकिन जो ऑलरेडी इक्विट है उसे करने की कोई जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी इक्वल्स है उसे करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लिखिए यहाँ x और x, यहाँ y और यहाँ y, इक्विट है पहले ऑलरेडी। अब क्या है कि हम लोग यहाँ सीधा एडिंग इक्वेशन 1 2 कर देंगे। जड़ की बात बता रहा हूं, अगर बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं यहाँ नहीं बताते, डिटेल नहीं करते इन चीजों को, मैं डिटेल कर रहा हूँ आपको। एडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो सिंबल्स है ना, देखिए आप x यहाँ पे प्लस में है और 2 में भी प्लस में है, लेकिन y ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। ये प्लस फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म है, ये नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमिनेट हो जाने का मतलब है कि ये सिंगल वेरिएबल, अकेले वन वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगा। फिर ये सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि इधर कॉन्स्टेंट टर्म है, क्लियर। देखिए एडिंग इक्वेशन 1 इनटू x प्लस y, दो तरीका है, बड़ा आसान है। या तो आप सामने सामने ऐड कर लीजिए, यही ऐड कर लीजिए, ये भी तरीका बड़ा पॉपुलर है। दूसरा तरीका है LHS, LHS, RHS, RHS को ऐड कर लीजिए, ठीक है। दोनों ही टेक्निक से अगर मुझे बनाना हो एक मिनट में तो मैं ऐसे बनाऊ। ध्यान रखना ऐड हो गया, गौर से देखना, ये LHS है, इनको ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब देखना यहां y y एलिमिनेट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यहां भी y y कैंसिल हो रहा है। ऐड किया 2x = 38, 2x = 38, देयरफॉर x = 38 / 2, इट मींस x = 19 आंसर। कैसे फाइंड आउट करेंगे अब y को, एकदम इसलिए मैंने कहा था कि मेरा पसंदीदा मेथड है, पसंदीदा टेक्निक है, क्यों कहा अभी बता रहा हूं। देखो इसमें आसान बात यह है कि यहां जैसे ही 19 आया, अब किस 19 को x के लिए किसी भी इक्वेशन में डाल दो आपको y पता चल जाएगा। x plus y equals to 37, आप लिख सकते हैं putting x equals to 19 in equation 1। ठीक है, अब देखिए अब क्या तरीका है कि कैसे पता चले कि हमने सही बनाया है या गलत। जब तक हम लोग घर में होते हैं, स्टूडेंट्स घर में होते हैं, ट्यूशन सेंटर में होते हैं, कोचिंग सेंटर में होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया आसानी से बुक के एकदम पीछे जाते हैं या एक्सरसाइज के बाद में जाते हैं, देख लेते हैं कि भैया डिसम्बर मैच कर रहा है हमारा या नहीं कर रहा है। जब हम पेपर में होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में होते हैं, तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट की हार्टबीट थोड़ी तेज हो जाती है कि यार सॉल्व तो कर लिया वो सही है या गलत। इसको जांचने का सबसे आसान तरीका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि अपने आप सबको वेरीफाई करो। कैसे वेरीफाई करना है, जो वैल्यूज आपने वेरिएबल्स के निकाले हैं उनको दोनों इक्वेशन में पुट करके देख लो क्या दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आपका आंसर सही है, अगर केवल एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है तो आपका आंसर सही नहीं है, क्लियर। जैसे देखिए एक्स हमने निकाला 19 प्लस 18 is equals to 37, satisfy हो रहे हैं ये। Second हमने हमारा equation है, second equation है हमारा 19 minus 18 is equals to 1, satisfy हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि हो सकता है अब book की print गलत हो, हमारा answer सही है, clear? तो जल्दी pair of linear equation के part 2 में मैं आपसे मिलूंगा, जहां मैं substitution method की चर्चा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि सरल से सरल शब्दों में कर सकूं कि सभी students के अच्छे से काम आ सके। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।